और अब बात करते हैं शिवपुरी के, जहां पिछोर एसडीएम पर बंद हो चुके सीनियर कन्या छात्रावास की तत्कालीन वार्डन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वार्डन ने शिकायत कलेक्टर और दूसरे बड़े अधिकारियों से की है। उसने बताया, हॉस्टल के इंस्पेक्शन के बाद एसडीएम ने हर रात उनके बगले पर एक छात्रा को पहुंचाने का कहा। वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें खुद आने के लिए कहा। जब उनकी गलत डिमांड पर राजी नहीं हुई तो हॉस्टल बंद करवा दिया। छात्राओं को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया गया और उन्हें हॉस्टल के ऑफिस में अटैच कर दिया गया। तत्कालीन वार्डन राजकुमारी कोली ने बताया, पिछोर एसडीएम विजेंद्र यादव के पास पहले आदिम जाति कल्याण विभाग का प्रभार भी था। वे प्रभारी जिला संयोजक हुआ करते थे। इसी साल मई में उन्होंने हॉस्टल का निरीक्षण किया था। दबाव बनाते हुए कहा था कि ये रात में एक छात्रा को बगले पर भेज दिया करो और सुबह वापस ले जाया करो। उनके मना करने पर उन्होंने कहा कि छात्राओं को नहीं भेज पा रही तो तुम खुद बंगले पर आ जाया करो। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने हॉस्टल को बंद कराने की धमकी भी दी थी। इस मामले में जिला प्रशासन ने जांच का आदेश जारी कर दिया है। 29 जुलाई को आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभार से एसडीएम को मुक्त कर चार्ज महावीर जैन को सौंप दिया गया और उनका ट्रांसफर कर दिया गया। जब एसडीएम के गलत इरादे पूरे नहीं हुए तो उन्होंने नियमों को दरकिनार कर हॉस्टल बंद करवा दिया। छात्राओं को 50 सीटर शासकीय अनुसूचित जाति जिला स्तरीय कन्या उत्कृष्ट छात्रावास कमलागंज में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि वहां पर सिर्फ 50 छात्राओं के रहने की ही व्यवस्था है। तत्कालीन वार्डन ने शिकायत में कहा कि एसडीएम रात में हॉस्टल के चक्कर लगाते थे, विरात में भी हॉस्टल आ जाते थे और अपने गंदे अरमानों को पूरा करना चाहते थे। तत्कालीन वार्डन ने इससे जुड़े कुछ फोटो भी शिकायत के साथ अफसरों को दिए हैं। एसडीएम पिछोर का कहना है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हॉस्टल के निरीक्षण पर जाता था। आरोप निराधार है। हॉस्टल वार्डन का ट्रांसफर एक प्रोसेस का हिस्सा था। इसी बात से नाराज होकर वह गलत आरोप लगा रही है। उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया है कि इस मामले की पूरी जांच करवाई जाए और जो भी दोषी हो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरे हॉस्टल्स की वार्डन एसडीएम के समर्थन में उतर आई हैं। वार्डन मोनिका तोमर, कविता कुशवाहा, डॉक्टर रजनी आर्य, अनीता तिम्मी और पुष्पा देवी आर्य ने कलेक्टर को लिखित में देकर कहा है, एसडीएम विजेंद्र यादव सभी का सम्मान करते हैं, उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं। आरोप लगाने वाली राजकुमारी जब पोहरी में पदस्थ थी तब उन्होंने 3 दिन तक छात्राओं को भूखा प्यासा रखा था। उस समय पोहरी की तत्कालीन एसडीएम पल्लवी वैद्य ने वहां जाकर छात्राओं को खाना खिलवाया था।